हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और ये मेकअप मैंने फिर मुस्कुराएगी इंडिया उस वीडियो में ये लुक क्रिएट किया था, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है, तो आप लोग देखते रहना। तो अगर आप लोगों को जानना है ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। तो अगर आप लोगों को इस ये लुक पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप सबसे पहले नोटिफाई हो सको। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब टू माय चैनल रोजी स्टाइल कॉर्नर एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ये फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ और इसका शेड है जैस्मिन और इसका फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं मुझे क्यों टोनर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और फेशियल ऑयल स्पेशली, तो ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ और इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से मसाज कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ये ग्रेप सीड फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि मैंने बताया है, मुझे फेशियल ऑयल और टोनर, फेस सीरम, ये सब मुझे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसे मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ और इसे अप्लाई करने के बाद ना मेरी स्किन पे जान आ जाती है, सच्ची बताओ तो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर ले रही हूँ और इसे मैं अपने अंडर आईज आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी और जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट डार्क सर्कल्स है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी और जहाँ जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। और ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, तो ये बहुत ईजीली अच्छे से हमारे फेस पे जितने सारे डार्क स्पॉट है उसे हाइड कर देता है, तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और गाइस, बैकग्राउंड में आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि चारों तरफ कूलर चल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी गाइस, उतना तो कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी और ये ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ही अच्छा है, अच्छे से सारे कंसीलर को ब्लेंड भी कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो ये अच्छी तरीके से इजीली ब्लेंड कर देता है और ये कंसीलर भी बहुत ही अच्छा है, इजीली ये ब्लेंड भी हो जाता है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस, आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो और मेरे पूरे दिन का ब्लॉग देख सकते हो और रेसिपी वगैरह मैं शेयर करती हूँ वो भी आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट मैं यहाँ पे NY Pie की ये BB क्रीम ले रही हूँ और इसे मैं फिंगर में लेके डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और ये बहुत ही लाइट वेट है, तो इसे मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और इसे मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बट ये ना अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा था इस ब्रश की हेल्प से, तो मैं दूसरी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो ये बहुत ही लाइट वेट BB क्रीम है ये, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं दूसरी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी ताकि फेस के कलर और नेक के कलर सेम लगे, तो नेक पे मैं अप्लाई करके इसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेकमी सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली समर सीजन के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये अच्छी तरीके से सारे प्रोडक्ट को सेट कर देता है और एक मैट लुक आपको देता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो और अफोर्डेबल भी है, आई थिंक 149 रुपीज़ का ऐसा कुछ मिला था मुझे, तो इसे आप समर सीजन में ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है।
आई मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया था मैंने, बस ये वेट एंड वेल्ड का ये ग्लिटर आई शेडो लिया था और इसका शेड है पिंक, तो इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से आईलेट पे अप्लाई कर लिया है। आई मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत लाइट लग रहा है और थोड़ा सा यू नो शाइनी शाइनी सा लुक दे रहा है। ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे मिस क्लेरी का ये आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और स्पेशली मुझे ये ब्राउ पेंसिल बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे जो आईब्रोज का कलर है ना वो इसके साथ मैच होता है, तो इसे मैं बहुत ही लाइटली अप्लाई कर लेती हूँ और इसे अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मेरे ब्राउज भी फील हो जाता है और सेट भी हो जाता है। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे हिलारी रोहदा का ये आईलाइनर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। काजल के लिए मैं यहाँ पे NY बाय के ये ब्लैक काजल ले रही हूँ और इसे मैं अपने वाटर लाइन पे और वाटर लाइन के नीचे नीचे हल्का हल्का स्मास कर लूँगी। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे मेबिलिन का ये मस्कारा ले रही हूँ और इसे मैं अपने अपर लैशेस और लोअर लैश पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे NY बाय के ये व्हाइट काजल ले रही हूँ और इसे मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पे और अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा शार्प लगे। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे मिसोस का ये पिंक ब्लश यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी स्माइल करते हुए। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे मिसोस का ये शिमर हाइलाइटर ले रही हूँ और इसे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है, एक ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ग्लैम 21 का लिप लाइनर ले रही हूँ और इससे मैं अपने लिप्स को एक शेप दे दूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे सुगर कॉस्मेटिक का ये लिपस्टिक ले रही हूँ और इसका शेड है स्कारलेट ओ हारा, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। तो गाइस ये है मेरी फाइनल फिनिश लुक, आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कर लेना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप सबसे पहले नोटिफाई हो, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।